हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर LDC को कितनी सैलरी दी जाती है, पहले 2 साल का पीरियड अर्थात प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या अन्य सुविधाएं दी जाती है और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड अर्थात 2 साल बाद में आपकी सैलरी में कितना इजाफा होता है, महंगाई भत्ता, मकान किराया कितना दिया जाता है, क्या अन्य सुविधाएं दी जाती है और किस तरह से आपका प्रमोशन होता है, LDC के अंदर आपकी जॉब कहाँ लगती है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो LDC की जॉब है वो पे लेवल L5 के अंदर आती है और ग्रेड पे ये 2400 की जॉब है। LDC के अंदर आपकी जॉब लगती है तो दो तरीके से लगती है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे एक होती है दोस्तों सेक्रेटरेट अर्थात सचिवालय के अंदर, जिसमें आपकी जॉब है जो RPSC के अंदर या जयपुर सचिवालय में लग सकती है, और यहाँ पर अगर आपकी जॉब लगती है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। जितनी भी आपकी जॉब रहेगी, जितने भी साल, तो आपको यहीं पर काम करना पड़ेगा। और दूसरी होती है दोस्तों सब ऑर्डिनेट अर्थात अधीनस्थ के रूप में, इसके अंदर आप राजस्थान में कहीं पर भी लग सकते हैं एक बाबू के रूप में। लेकिन देखिए दोस्तों, इन दोनों के अंदर जो पावरफुल है वो सचिवालय वाली जॉब है और इसमें सैलरी भी कुछ ज़्यादा रहती है। अब देखते हैं हम सैलरी किस तरह से आपको मिलती है। तो अगर सैलरी की बात करें तो पहले 2 साल अर्थात जब आपकी जॉब लग जाती है तो जॉइनिंग के जो पहले 2 साल होते हैं उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, और इसके दौरान देखिए सबसे पहले आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है 14,600 रुपये। लेकिन ये सीधे आपके अकाउंट में नहीं आती, यहाँ पर भी कुछ कटौतियाँ होती है, उसको आप देखिए। देखिए GPF जनरल प्रोविडेंट फंड अर्थात सामान्य भविष्य निधि के रूप में आपके 700 रुपये की यह कटौती होती है। जब आपका रिटायरमेंट होता है तो पेंशन के दौरान ये सारी राशि आपको मिलाकर दे दी जाती है, ठीक है दोस्तों। GPF के दौरान आपकी जो 700 रुपये है उसकी कटौती होगी। और दूसरी है दोस्तों RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 440 रुपये की आपकी कटौती होती है। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो मुफ्त में दी जाती है, तो उसकी आपके एक महीने के 440 रुपये की कटौती होती है। तो इसके अलावा देखिए आपको नेट सैलरी अब जो मिलेगी, आपको वो नेट सैलरी मिलने वाली है। जो पहले 2 साल होते हैं प्रोबेशन पीरियड, यहाँ पर आपको कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य सुविधाएं कुछ भी नहीं दी जाती, ठीक है। तो नेट सैलरी की अगर हम बात करें तो आपके फिक्स जो सैलरी थी 14,600 रुपये, उसमें से आपके GPF और RGHS की कटौती हो गई, तो इस तरह से आपके बैंक अकाउंट के अंदर 13,460 रुपये आने वाले हैं। अब देखिए 2 साल बाद में, जब 2 साल आपकी नौकरी के पूरे हो जाते हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है। तो देखिए अब आपकी सैलरी कितनी बनती है वो देखिए, बेसिक पे के अंदर अब आपकी सैलरी देखिए 20,800 रुपये, तो ये बेसिक पे है। अब इसके अंदर भी आपको और भी कुछ मिलने वाला है। देखिए DA, ये है दोस्तों डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, ठीक है। ये महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता भी बढ़ता जाता है। ये जनवरी और जुलाई के दौरान लगभग 4% के आसपास में ये बढ़ता है महंगाई भत्ता, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 42% के हिसाब से, तो 42% DA आपका मिलेगा आपको सैलरी के रूप में। तो 42% किसका दोस्तों, जो आपका बेसिक पे है, जैसे 20,800 का अगर आप 42% निकालते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको बनते हैं 8,736 रुपये आपके लिए बनते हैं, ठीक है। बेसिक पे का 42% आपको DA के रूप में महंगाई भत्ते के रूप में मिलता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जब आप मकान किराए का लेते हो, भाई कहीं पर रहते हो, तो हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ HRA की फुल फॉर्म है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस, आपको ये दिया जाता है किराए संबंधी भत्ता। तो ये देखिए 9% और 18%, यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, इसको आप समझिए दोस्तों। जो 18% है राजस्थान के अंदर मेन जो 4 या 5 है, ये जो बड़े ज़िले हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, ये जो 5 है, यहाँ पर अगर मेन सिटी के अंदर आपकी जॉब लगती है तो आपको जो HRA है 18% दिया जाता है, ठीक है। बाकी अन्य कहीं गांवों के अंदर आपकी जॉब लगती है, छोटी सिटी के अंदर जॉब लगती है, तो HRA के रूप में आपको 9% दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हम 9% और 18% दोनों के रूप में निकालते हैं। ये दोस्तों HRA भी आपको बेसिक का दिया जाता है, जो बेसिक पे है ना 20,800, इसका 9% या 18% आपको निकालना है, तो आता है दोस्तों 2,733 रुपये, ये 9% के रूप में है, और 18% के रूप में 5,466 रुपये बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक है दोस्तों CCA के रूप में,
ये जो आपको मिलता है ना, ये सचिवालय में अगर आपकी जॉब लगती है तभी आपको मिलता है। सचिवालय के अंदर जैसे आरपीएससी में या आप जयपुर सचिवालय के अंदर आपको जॉब लगती है तो ये 320 रुपये सीसीए के रूप में एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और भी यहाँ पर कुछ अन्य राशि भी दी जाती है साथ में, अगर क्योंकि दोस्तों ये जो अधीनस्थ की तुलना में जो सचिवालय वाली जॉब है ये हाई पावर की जॉब है, मतलब यहाँ पर आपके पावर भी ज़्यादा रहती है और पैसे भी आपको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं उससे। अब देखिए ग्रोथ सैलरी की अगर हम बात करें, ग्रोथ सैलरी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए बेसिक पे 20,800 रुपये आपके बने हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो डीए है 8,736 रुपये आपके डीए के बन गए महंगाई भत्ते के। वहीं अगर हम 9% के रूप में ले तो यहाँ पर देखिए जो एचआरए है 2,733 रुपये हैं। तो इस तरह से आपकी जो ग्रोथ सैलरी है 32,269 रुपये बनती है, लेकिन ये आपके सीधे अकाउंट में नहीं आती, यहाँ पर भी कुछ कटौतियाँ होती है वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए डिडक्शन के नाम पे यहाँ पर भी देखिए दोस्तों जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जीपीएफ की कटौती हुई थी अब यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है, अब आपके 1,450 रुपये के जीपीएफ की कटौती होगी। वहीं एसआई जो स्टेट इंश्योरेंस है इसके रूप में 800 रुपये मिनिमम कटौती होगी, आप यहां पर इंक्रीज भी कर सकते हैं 800 रुपये। अब देखिए आरजीएचएस जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत यहां पर 440 रुपये की कटौती होगी। इस तरह से अगर हम कुल कटौती जोड़े तो आप देख सकते हैं 1,450, 800 और 440, इस तरह से 2,690 रुपये की कुल कटौती होती है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको नेट सैलरी कितनी मिलेगी वो आप देखिए, देखिए जो आपकी ग्रोथ सैलरी है 32,269 रुपये, इसमें से आपकी जो डिडक्शन है ये काट लीजिए 2,690 रुपये। इस तरह से आपके जो बैंक अकाउंट के अंदर 29,579 रुपये ये आने वाले हैं, ये आपको सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों किस तरह से प्रमोशन होता है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर सेक्रेटरी अर्थात सचिवालय के अंदर हम बात करने वाले हैं, दूसरा अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट के अंदर भी हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्रेटरी के अंदर जूनियर असिस्टेंट के रूप में, और उसके बाद में जब प्रमोशन होता है तो सीनियर असिस्टेंट के रूप में, और उसके बाद में दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में, और फिर सेक्शन ऑफिसर, और फिर आगे भी ये बढ़ता जाता है। यहाँ पर कुछ ही लोग आगे तक पहुँच पाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सब ऑर्डिनेट अर्थात अधीनस्थ के रूप में तो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, फिर यूडीसी के रूप में अर्थात अपर डिवीजन क्लर्क, और फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऑफिसर के रूप में, आगे भी दोस्तों ये इंक्रीज होता रहता है लेकिन कुछ ही लोग लास्ट तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों ये प्रमोशन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।